अवार्ड से हुई तमिल मूवी जर्सी सम्मानित। क्या कहा शाहिद ने फिल्म की जीत पर? क्या जर्सी मूवी रेडी है रिलीज के लिए? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हस्ती चंद्रेसा, स्वागत करती हूं आपका चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक नई वीडियो जहां मैं बात करूंगी एक नई फिल्म के बारे में, फिल्म जर्सी के बारे में। जर्सी एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसे गौतम तिन्ननूरी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म जर्सी में शाहिद कपूर मुख्य रोल में नजर आएंगे। ये मूवी गौतम तिन्ननूरी को सेम शीर्षक की 2019 की तेलुगु फिल्म की रीमेक है। इसका अर्थ है कि डायरेक्टर गौतम ने ही दोनों फिल्मों का निर्देशन किया है, जिसे साफ जाहिर होता है कि इस बार फिल्म डायरेक्शन उनके लिए थोड़ा इजी ही रहेगा। शाहिद फिल्म में रणजी के खिलाड़ी बने हैं। जर्सी का नायक रणजी के कई मैच खेलने के बाद भी टीम इंडिया में नहीं चुना जाता, हार कर वो क्रिकेट खेलना छोड़ देता है। खिलाड़ी कोटे से मिले नौकरी भी उसके हाथ से फिसल जाती है, बट अब उसका 7 साल का बेटा एक जर्सी की फरमाइश करता था। जर्सी खरीदने के लिए रुपए चाहिए, तो बस इसी रकम के बंदोबस्त के लिए वो फिर मैदान में उतरता है। लेकिन मैच जीतने के बाद उसकी लाइफ में क्या बदलाव आता है, इसी कड़ी से फिल्म रोमांचक मोड़ लेती है। जर्सी जो तमिल वर्जन की मूवी थी उसने काफी प्रशंसा बटोरी थी। हर तरफ ऑडियंस ने एक दूसरे को जर्सी देखने तक की सजेशन दी और अंत में ये तारीफ जायज थी क्योंकि फिल्म को अवार्ड सेरेमनीज में भी तेलुगु सुपरस्टार नानी अभिनीत जर्सी को तेलुगु फिल्म जर्सी ने प्रतिष्ठित 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2 पुरस्कार जीते। 2019 में ही हुए अवार्ड शो में सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म और सर्वश्रेष्ठ संपादन श्रेणी में जीत हासिल की। फिल्म की डबल जीत के बाद जर्सी के हिंदी रीमेक में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता शाहिद कपूर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म की टीम को बधाई दी और लिखा, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए धन्यवाद। वेल, अब दबाव बनना तो ऑलमोस्ट जायज ही है क्योंकि फिल्म से और डायरेक्टर को शाहिद से और भी उम्मीद है। उन्हें पूरा भरोसा है कि फिल्म हिंदी सिनेमा में भी आते ही सुपर डुपर हिट होकर एक या दो नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा प्राइजेस लेकर जाएगी। शाहिद ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डेडिकेट कर कंग्रेचुलेट तो कर दिया, बट अब बारी है और इंतजार है साल के 11वें महीने का। जी हाँ, 5 नवंबर 2021 को पर्दे पर आने के लिए तैयार है फिल्म जर्सी। फिल्म को लेकर सारे पोस्ट प्रोडक्शन के कार्य पूरे हो चुके हैं। ट्रेलर और फिल्म का टीजर ऑफिशियली आउट होने को तैयार है। आप भी रहिए तैयार क्योंकि आ रही है जर्सी। इसी के साथ मैं भी लूंगी आज की वीडियो से विदा, क्योंकि जर्सी के अलावा अन्य फिल्मों की खबरों को आप तक पहुंचाना भी हमारा ही काम है, मगर चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहना आपकी जिम्मेदारी है। फॉलो करें हमारे चैनल को और देखते रहिए हमारे वीडियोस।